हाय दोस्तों, मेरा नाम डेविड है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एम एस एक्सेल 2013 में ईओ मंथ यानी एंड ऑफ मंथ का फार्मूला आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने उसका टाइटल भी दिया हुआ है ऊपर, और यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट शुरू करूँगा और ये ऐड डेट और मंथ ऐड करूँगा और उसमें एंड डेट बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं डेट एंटर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने मेरी फार्मेटिंग है, मैं यहाँ पर डेट करता हूँ 28। आज मेरी मौजूदा डेट है जो जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ स्लैश और सॉरी पहले मंथ वाला करता हूँ स्टार 7 मंथ स्लैश 28/2015 एंटर करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे डेट बता देगा। आप देख सकते हो, अगर आपको डेट चेंज करनी हो तो या आप यहाँ पे जाके लॉन्ग डेट पे क्लिक करें तो लॉन्ग डेट भी आ जाएगी यहाँ से, जैसे कि ये है, ठीक है। अगर लॉन्ग डेट नहीं करनी तो यहाँ से आके कोई और फॉर्मेट चूज़ कर लेते हैं, 14 मार्च, ओके ये वाला ठीक है, 28 जुलाई 2015, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा कॉपी करके नीचे तक ले जाता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मंथ ऐड करूँगा, तो इसका एंड ऑफ मंथ का ये होता है कि अभी मैं अगर 1 लिखूँगा तो ये मुझे बताएगा कि अगर मैं 1 महीना ऐड करता हूँ, 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, 4, 5, 6, ठीक है, और 7। तो यहाँ तक मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ अभी फ़िलहाल महीने ऐड करने का। तो ये क्या करेगा कि जब मैं 1 महीना ऐड करूँगा तो मुझे ये बताएगा कि 28, 1 महीना ऐड करूँगा इसमें 28 जुलाई के अंदर, ये मुझे बताएगा कि अगले महीने का एंड ऑफ डे क्या होगा अगले महीने की, तो ये मेरे दिन बताएगा उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू ई ओ एम, ये देखें ई ओ एम लिखा तो ये जो इसका फार्मूला आ गया, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ बिफोर और आफ्टर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ, तो लास्ट डे बताएगा अगले महीने का। तो मैं इसको टैब बटन प्रेस करूँगा, ये फार्मूला ऐड कर लूँगा। जैसे मैंने ये फार्मूला ऐड किया तो यहाँ पर स्टार्ट डेट कह रहा है, तो मैं इसको ये डेट देता हूँ और ये कोमा कह रहा है ऐड करो और एंड डेट कह रहा है, ये एंड डेट मैंने ऐड की, एंटर कर दूँ या ब्रैकेट क्लोज भी कर लूँ तो एक ही बात है, ना भी करूँ तो कोई बात नहीं, एंटर करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे नंबर पे बता रहा है, ठीक है। इसको मैं इसकी मैं नंबर में मुझे दे दिया इसने और माउस डबल क्लिकिंग करा रहा है, तो ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर में, अभी मैं जाऊँगा यहाँ पर आप निशान देख सकते हैं, यहाँ पर ना भी हो तो यहाँ पर लॉन्ग डेट होगी, ये देखें लॉन्ग डेट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो यहाँ पे मुझे ये बता देगा कि आज से 1 महीने बाद 31 अगस्त होगी, यानी अगले महीने का मुझे अगर 1 महीना ऐड करूँगा तो ये सिर्फ लास्ट डे बताता है उसका, अगले महीने का लास्ट डे बताएगा मुझे। आपको समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इसमें जुलाई के महीने में एक मंथ ऐड करता हूँ तो ये इस फार्मूले का कमाल ये होता है कि ये अगले महीने का लास्ट डे बताएगा आखिरी दिन क्या होगा। इसी तरह मैं दोबारा करता हूँ, 29 जुलाई है, अभी यहाँ पे इज इक्वल टू ई ओ एम ये फार्मूला यूज़ किया, उसको मैंने डेट दी, अभी मैं 2 महीने ऐड करूँगा, अभी मैंने कोमा लगाया, अभी ये कह रहा है मंथ बताओ कितने ऐड करें, मैं 2 मंथ ऐड करूँगा और एंटर करूँगा तो देखें इसका भी ये वही सॉरी माउस की थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पर आके मैं इसको पक्का कन्फर्म यहाँ से कर लेता हूँ, इसको डेट देता हूँ, लॉन्ग डेट यहाँ पर मौजूद होगी, ये देखें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बताएगा वेनसडे सितंबर 30, 2 महीने मैंने ऐड किए और उसका आखिरी दिन होगा 30 सितंबर होगा, देखें, ठीक है। इसी तरह एक दफ़ा फिर करके देखते हैं, आगे 3 महीने हैं, इज इक्वल टू ई ओ एम मंथ, उसके बाद मैं इसको स्टार्टिंग दे देता हूँ, अभी मैं 3 महीने ऐड करूँगा, कोमा लगाऊँगा और उसको ये महीना दूँगा, 3 महीने ऐड करूँगा, अभी 3 महीने बाद उसका तीसरे महीना जो 3 महीने ऐड करूँगा उसका जो आखिरी तीसरा महीना होगा उसकी आखिरी डेट क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी और दिन क्या होगा, एंटर करूँगा तो ये भी मुझे वही बता रहा है, ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है, यहाँ पे लॉन्ग डेट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे मुझे बता देगा। आप ना भी हो तो आप यहाँ से आकर लॉन्ग डेट कर सकते हैं, ना भी हो तो मेरा माउस अभी डबल क्लिकिंग कर रहा है तो यहाँ पर जाके आपने डेट में जाकर यहाँ से भी आप लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी लोकेशन अभी इस वक्त हो चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स, पहले पाकिस्तान था तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान ही कर लेता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे उर्दू हो गया आई थिंक, उर्दू में आएगा पाकिस्तान, ये देखें पाकिस्तान आ गया। अब मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे लॉन्ग डेट, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे होना चाहिए नो वाई मोर डेट, ये देखते हैं क्या करता है। नो उर्दू वाला ठीक नहीं है, वही ठीक है, तो यूएसए रहने देता हूँ, यूएसए कहाँ पे चला गया, अमेरिका 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 अमेरिका, ये वाला है अमेरिकन, आर्मेनियन आ गया आई थिंक, कौन सी आर्मेनियन, ये ठीक है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, और ये लॉन्ग डेट ही ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका फॉर्मेटिंग चेंज भी हो जाए तो हो सकता है, अभी इसको मैं नीचे तक ड्रैग कराता हूँ, तो यहाँ पे 7 तक मैंने ये फार्मूला नीचे कॉपी कर लिया, ठीक है। अगर डेट में चेंजिंग हो तो आप वहाँ से आकर चेंजिंग डेट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से डेट में और लॉन्ग डेट में सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आकर, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से मर्ज़ी की डेट यहाँ से चुन के लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, दिन मालूम करने के लिए ये चूज़ कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं नीचे यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे माइनस में लिखता हूँ 1 और 9, इसमें लिखूँगा माइनस, अगर पहले की मालूम करनी है 1, उसके बाद -2, देखें फार्मूला मैंने कॉपी किया वो ऑटोमेटिकली से ऐड करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप पहले की मालूम करना चाहते हैं तो फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, -3 लगाऊंगा, देखें फार्मूला मैंने कॉपी किया तो वो ऑटोमेटिकली उसे ऐड करता जा रहा है, ये देखें -5 और -6 -7 -8 -9 और सॉरी 9 और -10, ये 10 महीने पहले की है। इसी तरह आपको को अगर आप पहले की मालूम करना चाहते हैं कि पहले पिछले महीने की आखिरी डेट क्या थी, 2 महीने पहले की जो महीना था उसकी आखिरी डेट क्या थी, तो वो आप उसके साथ माइनस लगाएंगे। अगर आप 1 महीने बाद की जो 2 महीने ऐड करते हैं या 1 महीना ऐड करते हैं तो उसके अगले महीने, अभी देखें यहाँ पे 28 जुलाई है, मैंने 1 महीना ऐड किया, आगे आता है अगस्त, और उसने अगस्त की आखिरी डेट आखिरी दिन और डेट बता दी क्या होगा। और जब मैंने 2 महीने ऐड किए तो उसने सितंबर की आखिरी आखिरी महीने का आखिरी दिन और डेट बता दी, इस तरह ये काम करता है, एंड ऑफ मंथ का जो दिन होता है आखिरी वो बता देता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये ईओ मंथ एंड ऑफ मंथ यानी फार्मूला आपको इस्तेमाल करना आ गया होगा। कोई मसला परेशानी हो मेरी वीडियो को नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नए नए ट्यूटोरियल के बारे में आप बाखबर रहें और इल्म हासिल कर सकें। शुक्रिया।